समय बदलता रहता है। जब हम टीनेज में थे तब हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच जनरेशन गैप था, आज हमारे और हमारे बच्चों के बीच जनरेशन गैप है, और कल उनके और उनके बच्चों के बीच जनरेशन गैप होगा। सो द पॉइंट इज, सेंचुरी कोई भी हो, जनरेशन कोई भी हो, टीनेजर्स में होने वाले इमोशनल, फिजिकल, हार्मोनल चेंजेस सब जनरेशन में सेम ही होंगे, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग भी होगा। पर आज के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर में टीनेजर्स का गैजेट्स के साथ टाइम बढ़ रहा है। ऑल दिस इज रिजल्टिंग इन सोशल आइसोलेशन, सेक्शुअलाइजेशन, बैड हैबिट्स, बैड लैंग्वेज अमंग्स टीनेजर्स। And as a parent, we do not have any specific guide or someone who can tell us what exactly we should do. आइए देखते हैं आप क्या छोटी छोटी कोशिशें कर सकते हैं जिनसे आपके बच्चे इन चीज़ों को adopt करें पर distract ना हों, अपनी freedom enjoy करें, at the same time disciplined भी रहें। Welcome to my channel Lottolearn. My name is Trilekha. Do not get too worried about their safety. Let us understand this with real life situation. एक बच्चा है, वो 10th या 11th में है, और उसे परमिशन चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी या मॉल जाने की। आपने उसे परमिशन नहीं दी। नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो आपसे परमिशन लिए बगैर झूठ बोलकर अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाए, क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसे चढ़ाएंगे, यार तेरे घर से इतनी भी परमिशन नहीं है। इससे आपका रिश्ता डेफिनेटली अच्छा तो नहीं होगा। आप सेफ्टी को लेकर वरिड हैं। जब हम उन्हें स्कूल भेजते हैं तो क्या वो स्कूल में या स्कूल बस में बहुत सेफ होते हैं? पर हमें उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना है, इसलिए हम रिस्क लेकर वहाँ उन्हें भेजते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप उन्हें लाइफ स्किल्स सिखाना चाहते हैं तो आपको उन्हें बाहरी दुनिया को समझने का मौका देना होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब वो पूछें तो उनसे कहिए कि आप जाइए पर टाइम से वापस आ जाइए। अगर वो पिकनिक जाने कहें तो आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे आपके बाहर जाने में प्रॉब्लम नहीं है, आप मॉल या मूवी या किसी पब्लिक प्लेस पे जाइए, पिकनिक प्लेसेस आइसोलेटेड होती हैं, वहाँ क्राइम्स होते हैं, मैं वहाँ की परमिशन आपको नहीं दे सकती। इज योर चाइल्ड डिमांडिंग मोबाइल फ़ोन? अगर हाँ तो आप उन्हें नेगेटिव रिएक्शन ना दें। पहले उनकी बात ध्यान से सुने, उनसे पूछें कि आपको फ़ोन क्यों चाहिए। हो सकता है वो कहें कि मेरी फ्रेंड के पास फ़ोन है इसलिए मुझे भी फ़ोन चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ कहते हैं तो आप उन्हें समझाएं कि किसी अंकल या किसी आंट के पास अगर ये कार या ज्वेलरी है तो क्या मम्मा या पापा को भी वो लेनी चाहिए। दूसरों के पास देखी हुई चीज़ की डिमांड करना ये अच्छी हैबिट नहीं है। अगर वो कहें कि मुझे किसी फ्रेंड से बात करनी है तो आप उन्हें अपना फ़ोन दीजिए, पर हाँ उन्हें वो प्राइवेसी भी दीजिए। जब आप उनको अपना फ़ोन दें तो आप वहाँ से हट जाएं, उन्हें प्रॉपरली बात करने दें, उनकी बातों को सुनने की कोशिश ना करें। फिर भी वो नहीं मानते और आपको लगता है कि उन्हें फ़ोन देना है तो आप कोई बेसिक सा फ़ोन दे सकते हैं जिसमें वो कॉल रिसीव करें या कॉल करें। 12th क्लास के बच्चों को या कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट वगैरह के लिए स्मार्टफोन्स की आवश्यकता होती है, कई बार उन्हें इंटरनेट की भी ज़रूरत होती है, और पेरेंट्स को उन्हें स्मार्टफोन देना होता है। कुछ पेरेंट्स इंटरनेट के साथ कुछ लिमिटेशंस देते हैं, जैसे कि डेटा पैक लिमिट कर देते हैं या पॉर्न साइट्स वगैरह ब्लॉक कर देते हैं। ये तो ठीक है, कीपिंग एन आई ऑन देम इज़ गुड, बट वी शुड ट्राई देम टू मेक सेल्फ डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कम टू नो दैट योर चाइल्ड इज़ वॉचिंग पॉर्न, डू नॉट स्टार्च हिज और हर मोबाइल, डू नॉट स्कोल्ड हर, जस्ट टेल देम नॉर्मली ये बहुत नॉर्मल है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पर अभी आपकी ये सही एज नहीं है। जब सही एज होगी तब आप ये फेज भी इंजॉय करोगे, अभी आपको अपने करियर, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। बी लिटल ओपन टू देम व्हेन यू टॉक अबाउट लव, सेक्स और लाइफ। ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम, ट्राई टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू कम्युनिकेट विद देम। लिसन टू देम रादर देन जस्ट स्पीकिंग, हैव फन विद देम, फॉरगिव देयर मिस्टेक्स, पर साथ साथ आप उन्हें ये भी रियलाइज़ कराएं कि कुछ बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, देयर शुड बी सर्टेन लिमिट्स। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।